दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर खौफ है। सभी देशों की सरकारें कोरोना वायरस से बचने के लिए लाख जतन कर रही हैं। बावजूद उसके भी कोरोना वायरस लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि इससे बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको कोरोना के बचाव में मास्क कैसे पहनना है? चलिए हम आपको बताते हैं मास्क कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी पूरी जानकारी सबके पास नहीं है। इस तरीके से आपने लगाया, बिल्कुल ठीक है, लगा लिया आपने, मगर ये आपको बचा नहीं रहा है, तो फिर ये क्या कर रहा है? अब थोड़ी देर बाद में आप क्या करोगे, इसको उठा के नीचे रख दोगे ऐसे। अब यहां पे करने में क्या हुआ है, जो यहां पर आके आपके कीटाणु जो चिपके थे वो सारे के सारे ऐसे आ गए हैं। सर्जिकल मास्क जितने भी होते हैं उनको सीधा यहां से उतार के और साइड में रख दिया जाता है, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है या ऑटोक्लेविंग के लिए भेज दिया जाता है। कि हमारे शहर के अंदर या हमारे मोहल्ले में कोरोना नहीं है, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, मगर फिर भी उस मोहल्ले के अंदर नहीं निकलना है, उस शहर के अंदर नहीं निकलना है, उस शहर को छोड़ के नहीं जाना है और ना उस शहर के अंदर किसी को फिलहाल आने देना है, क्योंकि आपके घर के बिल्कुल बाहर कोरोना चल रहा है। ये खतरनाक काम है, ये सुनना भी थोड़ा खतरनाक है, मगर हमें ये अगर पता है कि हमारे आसपास में कोरोना नहीं है और हम फिर भी घर में रह रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी तसल्ली है, वो तसल्ली से हमें रहना है। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो सबसे पहले आप अपने परिवार के लिए खतरा है, उसके बाद में अपने मोहल्ले के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए और पूरी मानवता के लिए। मानव बन जाइए। जय हिंद, धन्यवाद। पता है कि टेम्परेचर आपका जो है वो बिल्कुल रिकॉर्ड किया जा रहा है और आपको बुखार नहीं पाया जा रहा, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपको कोरोना का संक्रमण नहीं है। आपको संक्रमण हो सकता है, 4-5 दिन तक आपका टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा और इन 4-5 दिनों के अंदर आप न जाने किस किस को जाके कोरोना देके आओगे। घर में तो लाओगे ही लाओगे, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, तो फिर आपको करना क्या है? आपको सिर्फ एक काम करना है, नहीं तो पूरा का पूरा देश खतरे में आ जाएगा, अपने घर में रहना है। सरकारें व्यवस्था कर रही हैं, इटली के अंदर 6,000 लोग मर चुके हैं, स्पेन के अंदर हर रोज इतने लोग मर रहे हैं, वो हमसे आगे हैं, मगर लास्ट के अंदर क्या काम आया? केवल इतना काम आया जो चीन ने लास्ट में किया था, उन्होंने सब जगह कर्फ्यू लगा दिया था, सब बंद कर दिया था, जो मर रहे हैं उनको उठा के हॉस्पिटल के अंदर ले गए थे और 15 दिन तक सब बिल्कुल ठंडा कर दिया उन्होंने। आप लोग तो मरवा दोगे इस तरीके से, बहादुरी बना के घूम रहे हो, ये बहादुरी सारी धरी की धरी रह जाएगी, घरों के अंदर घुसे रहो। सरकार जो कर रही है वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती वो। संक्रमण कैसे फैल रहा है? आप किसी के गेट के हाथ लगा रहे हैं छींक मार के, उससे फैल रहा है। आप एलिवेटर्स के अंदर, लिफ्ट के अंदर अगर आप मास्क कब और कैसे पहनना चाहिए? अगर आपको खांसी और जुकाम है तो मास्क अवश्य पहने। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क जरूर लगाए। कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज की देखभाल कर रहे हैं तो मास्क लगाए। मास्क पहनने से पहले हाथ अच्छी तरह साफ करें। मुंह और नाक को मास्क से पूरी तरह से ढकें। मास्क पहनते समय मुंह और नाक के पास कोई गैप ना रखें। मास्क पहनने के बाद इसे हाथों से ना छुएं। यदि मास्क छू लिया है तो हाथों को तुरंत साफ करें। एक मास्क इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल ना करें। मास्क को बार बार छूने से बचें। यदि आप स्वस्थ हो तो मास्क पहनने से बचें। मास्क को अपने गले पर ना लटकाएं। अगर मास्क गीला हो जाए तो उसे 6 घंटे के अंदर बदल दें। जैसे मास्क पहनने का सही तरीका है वैसे ही उतारने का भी। मास्क को कभी भी बाहर की तरफ से हाथ ना लगाएं। मास्क को पीछे से उतारें और डस्टबिन में डाल दें। मास्क उतारने के बाद हाथ सैनिटाइज करें।